तो देखिए गाइज, आज हम एक स्कूटी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वायरलेस कंट्रोलर की वायरिंग की पूरी जानकारी। ठीक है, तो देखिए अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर क्या है, इसकी आगे की हेडलाइट खोल रखा है। ठीक है, और मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों को मिल रही होगी आई होप, क्योंकि मैंने अभी माइक लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों की ये वायरलेस कंट्रोलर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। देखिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। ये वायरलेस कंट्रोलर हमारे पास खुला हुआ है और ये कंट्रोलर बिल्कुल हमारी चल रही है, रनिंग में है। ये कंट्रोलर हमारे पास बंद है, तो देखिए ये वाला कंट्रोलर का मॉडल है, आप लोग देख लीजिए पहले, सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए हमारा ये प्लस और माइनस का कनेक्शन का निशान दे रखा है। ठीक है, सामने यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ देखिए कि आप लोग जो है मोटर के कनेक्शन की वायर दे रखा है वायरलेस में। ठीक है, कुछ कनेक्टर पिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जिसमें से एक कनेक्टर हमारे ये 6 पिन का इधर है और इधर हमारा 8 पिन का इधर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप टोटल एक जगह आप लोगों को 6 सॉकेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 6 सॉकेट दिखाई दे रहे हैं टोटली, और जिसमें से ये 6 सॉकेट है आपका, ये आपका हॉल सेंसर का है, जो कंट्रोलर का सेंसर है। इसमें एक साइड का प्लस है और एक साइड का माइनस, और आपका ए बी सी जो हो गया, ये कनेक्टर आपका जर्नली हमारा स्पीड के लिए यूज किया गया है। और ये कनेक्टर जो है इसका मेन है, इसमें जो 3 तार इधर वाले हैं ये आपका एक्सीलेटर का है। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए इसमें 3 तार आप लोगों को ये लास्ट वाले दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये आपका एक्सीलेटर का है। देखिए टोटल, जिसमें से मैं आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं पिक लेके दिखा दूंगा एक बार। और ये देखिए यहाँ पर कि ये 3 तार हैं, तो मैं इसमें बता रहा हूँ ब्लैक कौन सा है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब ब्लैक वगैरह का मैं इसमें क्लियरली आप लोगों को बता दूंगा इसमें ब्लैक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो किया हुआ है थोड़ा सा गद्दारी टाइप का काम किया हुआ है, इसमें ब्लैक तार का पता नहीं लग रहा है। तो इसमें जो ब्लैक वाला तार है, इसमें जो ऑरेंज वाला तार आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर से, ये वाला ऊपर से ये वाला जो है तार, ये हमारा ब्लैक है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो यहाँ पर रेड वाला है वो आपकी येलो पे सफ़ेद पट्टी, ये आपका रेड है, ये आपका नीचे वाला ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, और ये आपका सेंसर का हरे वाला तार हो गया। जनरली इस पर लिखा भी होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो लिखा भी होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे TS करके प्लस लिखा है, और जी यहाँ पे GND नीचे देखेंगे तो लिखा भी है। ठीक है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और नीचे यहाँ पर एक्सीलेटर का जगह TS लिखा हुआ है, देखिए। और इधर कुछ वायर हैं आप लोगों के, जैसे कि ये रेड वाला वायर है जो इधर से दूसरा पिन है, ये आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है, ये स्पीड को हाई करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ वायरें और हैं जैसे कि आपकी, बढ़िए देव जी, ये वाली दोनों वायर हैं जो आपकी, देखिए ये आपकी स्पीड की कंट्रोल करने के, स्पीड को हाई और ज़्यादा लो करने के लिए है। इधर से देखिए इसका कोड वर्ड में देखेंगे तो आप लोग, एक पे तो है आपका GND और एक पर है RX, GND और RX है। मैं एक बार आप लोगों को लोकेट कर देता हूँ, देखिए ये हमारा GND हो गया और यहाँ पर RX हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देखिए, तो मैं इधर दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर साइड से, ये ऊपर से प्लस है, ये माइनस है, और इधर हमारा ABC वाला है, ये 3 तारें हो गई। बाकी ये देखिए इधर वाला जो है, ये 2 तारें इधर दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ये ब्रेक सिस्टम है, जैसे स्विच किसी गाड़ी में लगा होता है, ऑटो कट ब्रेक सिस्टम वाला होता है। बाकी जनरली यही चीज़ें हैं इसमें, छोटी छोटी और वायरें हैं, तो इसमें अगर इसको निकाल देते हैं तो भी हमारी गाड़ी रन करती है। दिखा देता हूँ एक बार मैं चालू करके, थोड़ा और बैक साइड कीजिए, ये हमारी MCB है, और इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सॉकेट को आप लोग निकाल देंगे तो भी हमारा कंट्रोलर वर्क करेगा, ये वाला का सॉकेट को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरली हमारा 48 वोल्ट इग्निशन का चाहिए होता है इसमें, और आपका सेंसर का चाहिए होता है। तो देखिए हमारा ये स्कूटी बिल्कुल वर्क कर रहा है इस टाइम, देखिए। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये हमारा जो कंट्रोलर है वो 60 वोल्ट है, यहाँ पर देखिए ये हमारा कनेक्शन जो है, यहाँ पर आप लोगों का एक फ्यूज़ दिया हुआ है, फ्यूज़ का खास कर ध्यान दीजिएगा, 40 एम्पियर का फ्यूज़ है। ठीक है, तो बाकी और मिलते हैं कोई नया डिटेल तो आप लोगों को आगे शेयर करूँगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।